जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन का 21वां दिन का समय पूरा होने वाला ही था, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक फिर बढ़ा दिया। मगर पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम है, उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है। हालांकि रविवार को जिला प्रशासन व उद्यमियों के साथ हुई बैठक में कुछ फैक्ट्रियों को शर्तों के आधार पर चलाने पर चर्चा हुई थी, जिसके चलते फल सब्जियां व खाद्य सामग्री की दुकानों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व अन्य दुकानदार भी चाह रहे थे कि उनकी भी दुकानें खुलने की परमिशन हो जाए। मगर आज दिन निकलते ही शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस प्रशासन की शक्ति को देखकर किसी की घर में से निकलने की हिम्मत नहीं हो पाई। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने बताया कि लॉकडाउन में कोई ढील नहीं है, केवल जो लोग जरूरी काम से जा रहे हैं केवल वे ही जा सकते हैं, जैसे बैंक और हॉस्पिटल या फिर राशन लेने जाने वाले लोग ही जा सकते हैं। देखिए, ये कई चीज़ों को देखते हुए पिछले एक दो दिन से छुट्टियां भी थी, बैंक वगैरह भी बंद थे, तो इसके संबंध में ही लॉकडाउन को पूरी तरह से नियमों अनुसार लॉकडाउन का पालन करें लोग। इस संबंध में पूरे जनपद भर में चेकिंग अभियान चलाया गया। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारी चौकी हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे चेकिंग के स्थान हैं, हर एक जगह पर सभी अधिकारियों के द्वारा, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा चेकिंग की गई और इससे लॉकडाउन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं, सिर्फ उस चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि कल संडे था, बैंक बंद थे, तो इस वजह से एक बैंकों की तरफ लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान था छुट्टी होने की वजह से, और कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी कल बंद थे, इस चक्कर में लोग आज हॉस्पिटल्स में ज़्यादा आना चाहते थे, और ज़्यादातर लोगों से बातचीत करने के बाद हॉस्पिटल और बैंक का छुट्टी होने की वजह से कारण बताया गया। ये ज़्यादातर देखिए इंडस्ट्री से ही इस संबंध में संपर्क बनाया गया है, और जितने भी कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज हैं उनसे कल एक मीटिंग भी की गई थी और आज भी इसमें व्यवस्था को चेक किया जा रहा है।